ऋषि पंचमी आने वाली है, क्या कुछ महत्व है इसका, क्या कुछ कथा है, किसे क्या मनाई जाती है? सबसे पहले जय श्री राम सभी भक्तों को। ऋषि पंचमी गणेश चतुर्थी के बाद में आती है, दूसरे दिन, और इस बार ऋषि पंचमी 20 तारीख को है। और इसमें ऋषि पंचमी में सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। सप्त ऋषियों के पूजन में जैसे बता सकते हैं अपन, जो रजस्वला धर्म में स्त्रियां रहती है, ये स्त्रियों का विशेष व्रत और उपवास है। इसमें सप्त ऋषियों का पूजन और उनकी पत्नी अरुंधति जो रहती है उनका पूजन होता है, जो बोलते हैं उसमें समा के चावल खाए जाते हैं पूजन व्रत में, तीखा नहीं खाया जाता, मीठा खाया जाता है। और दोपहर 12 बजे इनका पूजन होता है। और इससे स्त्री जाति के लिए जो यह व्रत करता है उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है कुंवारी कन्या को, और जो स्त्री विवाहित रहती है उसे कभी भी वेदत्व का सामना पूर्ण रूप से जब होता है, उम्र जब भी होना होता है, बाकी सौभाग्यवती वह रहती है। और यह व्रत जो है स्त्रियों के लिए विशेष माना गया है, और कहीं पर पुरुष भी करते हैं इसे, क्योंकि सप्तऋषि जो ऐसे हैं कि उनका पूजन पुरुष वर्ग भी कर सकते हैं। तो इसमें ऋषि पंचमी का व्रत बहुत ही विशेष रहता है। इसको करने से स्त्री जाति को रजस्वला से मुक्ति प्राप्ति होती है और वह शारीरिक पीड़ाओं से, कष्टों से दूर होती है, उसे शारीरिक स्वच्छ और अच्छा मुक्ति प्राप्त होती है शरीर। आपका परिचय? मैं